Welcome back to our channel Speaking Window. तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि मैं एक नॉन पेजेंट्री बैकग्राउंड से हूँ, तो काफ़ी नया था मेरे लिए सब कुछ. क्या करना है, कैसे करना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा था. हालांकि मैंने पिछले साल ही शुरू कर लिया था अपनी ट्रेनिंग इसके लिए, तो पूरा साल उसी में चला गया कि किस तरीके से मिस इंडिया में जाना है और किस तरीके से वहाँ पे जाके परफॉर्म करना है. तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है मेरी. तो बचपन का कोई सपना नहीं था मेरा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस बारे में. मुझे पता था कि मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स है, बट वो होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था. तो जब मानुषी चिल्लर क्राउन जीते थे तब मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि ये होता क्या है. तो मुझे पता चला इन्हें पैजेंट्स बोलते हैं और इनमें किस तरीके से इनरोल करना है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरीके से खुद के ऊपर काम करना होता है. तो इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तब जाके मुझे लगा कि शायद मैं भी यहाँ पे एक ट्राई दे सकती हूँ. मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हो गया और इसी तरीके से मैंने अपना पैशन डेवलप किया वहाँ पे, और फिर मैं मिस इंडिया के लिए एक साल की ट्रेनिंग लेके फिर आई. ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं सबसे सब कुछ होगा. तो उस टाइम पे बहुत ही ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत लो फील होता है कि क्यों नहीं हो रहा है इतना कोशिश करने के बावजूद. पर जैसे जैसे खुद को संभालना था, क्योंकि आगे भी दिन आने थे और आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल होगा, यही सोच के मैं आगे बढ़ती रही. हो गए थे ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को जीते हुए. तो मुझसे पूछा गया था कि आप किसकी बायोपिक में काम करेंगे और क्यों. तो तब मैंने कहा था कि मैं ऐश्वर्या राय उनके बायोपिक में काम करूंगी, क्योंकि उनकी जर्नी मुझे पता है, जिस तरीके से उन्होंने फेलियर्स देखे और फिर भी उनसे बिना डरे हुए जैसे वो आगे जाती रही, जिस तरीके से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल, मिस वर्ल्ड जो रेनिंग करंट मिस वर्ल्ड है वेनेसा, वो वहाँ पे थे, साथ में 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर, दोनों ही वहाँ पे थे. तो काफ़ी ही अच्छा मोमेंट था, क्योंकि दोनों मिस वर्ल्ड के साथ मुझे, उनके सामने मुझे क्राउन किया गया, तो मेरे लिए वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था. कल तो मेरी पढ़ाई चालू है, मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, तो मुझे लगता है पहले मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उसके बाद में तो जैसे ऑप्शंस आते हैं वैसे. और बॉलीवुड में तो मोस्ट ऑफ़ दी लड़कियों का इंटरेस्ट होता ही है, बट देन वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिचुएशन पे आ रहा है और उस टाइम पे हम उस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं, तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है. फिलहाल तो मिस वर्ल्ड और पढ़ाई इंपॉर्टेंट है. फीमेल में मैं दीपिका पादुकोण की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेल में चाइल्डहुड क्रश है शाहिद कपूर, तो उनकी मैं फ़ैन हूँ. तो ये दोनों मेरे फेवरेट है बॉलीवुड में. थैंक यू. Please like and share this video and subscribe our channel for more updates.